नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला और भोले महाराज ने भेंट की है। इस अवसर पर उन्होंने आपदा पीड़ितों के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मुख्यमंत्री को 11 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। इसके लिए सीएम धामी ने हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला एवं भोले महाराज का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हंस फाउंडेशन की ओर से राज्य सरकार को समय समय पर सहयोग दिया जाता है। राज्य में जब भी कोई आपदा आती है या जरूरतमंदों को कोई जरूरत होती है तो हंस फाउंडेशन सेवा के कार्यों में हमेशा आगे आता है। कोरोना काल में भी हंस फाउंडेशन द्वारा अनेक तरह से सेवा के कार्य किए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे क्षेत्रों में भी हंस फाउंडेशन द्वारा राज्य सरकार को लगातार सहयोग दिया जा रहा है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला और भोले जी महाराज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मिले हैं। मिलकर के उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए 11 करोड़ रुपए का दान वितरित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हंस फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया और कहा कि जब भी प्रदेश में किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो हंस फाउंडेशन हमेशा आगे बढ़ करके आता है। पिथौरागढ़ के धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्र से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इलाके में करीब 300 लोगों का विस्थापन किया गया है और उनके खाने, मेडिकल और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर बल देते हुए कहा कि सरकार पूरी तत्परता के साथ आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सभी के सहयोग से ही आपदा पीड़ितों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। कुछ लोगों को मौके पर आर्थिक मदद भी कर दी गई है और जिलाधिकारी व सीडीओ जैसे अफसर को आपदाग्रस्त इलाके में निगाह बनाए रखने और पीड़ितों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और इसी के साथ साथ परिस्थितियों को समझते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो 300 लोगों का विस्थापन किया गया है उनको हर संभव मदद पहुंचाई जाए। आपदा प्रभावितों के साथ सरकार खड़ी है और सरकार का इतना कह देना ही काफी है। 300 के ऊपर की संख्या है जिनको अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है, उनको वहाँ पर आपदा राहत शिविरों में रखा गया है और काफ़ी नुकसान हो गया है। वहाँ पर खोतिला गांव है, पूरा का पूरा बह गया है, जो भारत और नेपाल की सीमा पर है, काली नदी के पास, काली नदी के किनारे। दूसरा एल धारा एक जगह है वहाँ पर, उसमें जैसे वरुणावत पर्वत में लगातार पत्थर और बड़े बड़े पहाड़ नीचे को भूस्खलित हो रहे थे, उसी प्रकार का है। वहाँ पर हमने कहा है कि जल्दी ही उसका, जितने भी हमारे भू वैज्ञानिकों के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान हैं उन संस्थानों से उसका सर्वेक्षण करवाएंगे और सर्वेक्षण करवाने के बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अन्यथा पूरा धारचूला शहर उसकी जद में आ गया है और बिजली का संपर्क है, दूरसंचार का संपर्क है, पुलों का संपर्क है, सड़क कनेक्टिविटी है, काफ़ी कट गई है। उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ जो हेली सेवा है सितंबर माह तक चलती है, हमने कहा है कि चूँकि आपदा से काफ़ी नुकसान हो गया है, आपदा के समय में उसकी आवश्यकता है, उसको भी हम विस्तारित करेंगे। ऐसे अनेकों कार्य जो करने हैं और साथ में जो लोग विस्थापित होकर आए हैं उनके पुनर्वास के लिए प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास की कार्रवाई करेंगे और साथ में जो लोगों के घर द्वार सब चले गए हैं उनके लिए वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी सरकार के स्तर पर प्रशासन करेगा। 300 उत्तराखंड पुलिस विभाग ने लंबे समय से चली आ रही 4600 ग्रेड पे की मांग का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल निकाल दिया है। ऐसे में अब पुलिस विभाग ने एडिशनल एसआई का नया रैंक सृजित करते हुए 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 17500 पद हैं और हेड कांस्टेबलों के 3440 पद हैं और एडिशनल एसआई का एक भी पद नहीं है। लिहाजा पुलिस जवानों को समय से प्रोन्नति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित किए जाएंगे। क्योंकि
की ये मांग चल रही थी और समाधान निकालने के लिए बहुत प्रयास पहले भी हुए। अभी हम लोगों ने बहुत सोचने के बाद, बहुत सारी बातें करने के बाद एक समाधान का ये नया रास्ता निकाला है और मैं समझता हूँ कि इससे जहाँ सभी को, हमारे जो पुलिस में भर्ती होने वाले कांस्टेबल हैं उन सभी को ASI तक जाने का मौका मिलेगा। साथ में सब मिलाकर 5200 से भी ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनको प्रोन्नत होने का भी मौका मिलेगा। इससे कहाँ हमारी पुलिस की जो कार्य क्षमता है, उनकी एक ऊर्जा है, वो सकारात्मक दिशा में और बढ़ेगी और अच्छा काम करेंगे। उनके प्रोत्साहन के लिए नई व्यवस्था निकाली। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ शिवगढ़ गांव में जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। रविवार को इलाज के दौरान 3 अन्य लोगों की मौत हो गई है। वहीं सोमवार को भी एम्स में भर्ती एक शख्स ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शराब कांड के मुख्य आरोपी को दबोच लिया है। आरोपी ने अपनी पत्नी को ग्राम प्रधान का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए अपने घर में कच्ची शराब पिलाई गई थी। गिरफ्तार आरोपी का नाम ब्रिजेंद्र है, जो फूलगढ़ गांव का ही निवासी है। आरोपी ब्रिजेंद्र ने पत्नी को ग्राम प्रधान का चुनाव जिताने के लिए अपने घर में कच्ची शराब पिलाई थी। डेथ हुई है, ये शराब पीने के कारण हुई है। जो लगातार ग्राम पंचायतों की दारू पी रहा था, इस वजह से उसकी डेथ हुई है। शराब तो सभी कैंडिडेट की ले रहा था, वो कोई एक ही का नहीं, जो प्रधानी के पद पे है। दोनों गांव में तकरीबन 14 मौतें हो चुकी है, डेथ हुई है। हरिद्वार में जहरीली शराब कांड में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर सरकार और शासन लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा है। DGP अशोक कुमार के मुताबिक हरिद्वार शराब कांड में SSP स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है, जो लगातार जांच कर रही है। मामले में गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। SIT गठित कर दी थी, एक ASP डायरेक्ट IPS ऑफिसर की अध्यक्षता में, और उसमें काफ़ी, आपको पता ही है कि उसमें खुदाई से काफ़ी उनकी वो और भी निकली है शराब। और जो है ये आदमी जो प्रधान प्रत्याशी का पति है, उसके द्वारा ही इसको जो है अवैध रूप से बनाया गया था, वो ही अवैध रूप से बंटवा रहा था। बाकी आगे की विवेचना जैसे होगी उस हिसाब से आपको बताएंगे। पिरान कलियर को उत्तराखंड का छठवां धाम माना जाता है, लेकिन इस धाम में कई अनैतिक काम हो रहे हैं, ऐसा कहना है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का। शादाब शम्स ने कहा है कि पिरान कलियर में लोगों की बहुत बड़ी आस्था है, लेकिन इस आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने आगे कहा कि पिरान कलियर में मानव तस्करी के साथ साथ देह व्यापार की भी कई घटनाएं सामने आ रही हैं, साथ ही मानव तस्करी के साथ ड्रग की तस्करी भी चरम पर है। उन्होंने कहा कि इस गंदगी को हटाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। देखिए, पिरान कलियर एक इंटरनेशनल जायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद, बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं, और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को, निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बे औलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की, कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई, तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वैश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पिरान कलियर के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और हमने बिल्कुल मन बनाया है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने। UK SSC पेपर लीक मामले में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि UK SSC की परीक्षा में किस किस की नियुक्ति कैसे कैसे हुई है, उसका पूरा चार्ट बना करके जवाब कोर्ट में 21 सितंबर से पहले पेश किया जाए। देखिए, राज्य सरकार से आज कोर्ट ने 21 तारीख तक जवाब मांगा है कि आपने क्या कार्रवाई करी है, आप भी जवाब दाखिल करिए, और हमें भी समय दिया है कि इस तारीख तक की आपको क्यों लगता है कि जो है CBI होनी चाहिए।
दोनों पक्षों को 21 तारीख तक जो है कि जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। आपका क्या कहना था इस पूरे मामले में? मेरा ये कहना है कि देखिए, आज उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है, उत्तराखंड के देवभूमि के भविष्य का सवाल है। तो अगर राज्य सरकार ईमानदारी से जांच करना चाहती है, युवाओं के साथ न्याय करना चाहती है, मजबूत उत्तराखंड की नींव रखना चाहती है, तो फिर CBI से क्यों डर रही है? देखिए, दो राज्यों का मामला है, CBI को जाना चाहिए। वैसे भी इतने बड़े बड़े आप लोग देख रहे हैं कि जो है लोग शामिल इसमें दिखाई दे रहे हैं, जनता के मन में तो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है फोटो आकम सिंह का या अन्य लोगों का, उससे संदेह पैदा हो रहा है। जब संदेह पैदा हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है CBI कराने में? किस बात का डर है? राज्य सरकार जांचों को अलग अलग क्यों बांट रही है? लीपापोती शुरू कर दी है राज्य सरकार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि UK SSS को पूरी तरह से दुरुस्त कर और फुल प्रूफ बनाया जाएगा, और इसी कड़ी में UK SSS में तैनात रहे अफसरों की विजिलेंस जांच समेत उन्हें उनके पदों से हटाया भी गया है। मुख्यमंत्री ने News1 India के सवालों पर कहा कि जो अभ्यर्थी परीक्षाओं में देरी के कारण ओवर एज हो गए हैं, सरकार उनके पक्ष में भी जल्द निर्णय लेगी। हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य है वह यह है कि जो हमारे आगामी जो भर्तियां होने वाली हैं, एक तो वो भर्तियां किसी भी तरह से प्रभावित न हो, उसको लेकर हमने एक बड़ा कदम उठाया है कि 7,000 से ज़्यादा जो पद अभी वैकेंट हैं जिनको अधीनस्थ चयन आयोग से होना था, उन सभी को अभी ट्रांसफ़र कर दिया है लोक सेवा आयोग को। और निकट भविष्य में चूँकि जैसी ज़रूरत पड़ेगी इसको इतना एक साउंड प्रूफ बनाना है इस तरह से कि आगे भविष्य में कभी भी गलतियाँ न हों, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए हमारे बच्चों का भविष्य है, उनका भविष्य प्रभावित न हो, वो परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित न हो। जो भी कार्रवाई हो रही है वो सब केवल और केवल बच्चों के भविष्य को लेकर हो रही है, उसमें जितना अच्छा हो सकता है राज्य सरकार उतना अच्छा करेगी। कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, जिससे कि हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनका जो एक विश्वास डगमगाया है आने वाले समय के लिए, वो दृढ़ हो जाए कि अगर वो भर्ती परीक्षा में भाग ले रहे हैं, अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता है तो कोई उनको रोक नहीं सकता। जिनको इन भर्ती परीक्षाओं में लेट होने के कारण से, अगर कोई भर्ती परीक्षा लेट हो रही है या बीच में भर्ती परीक्षा न हो पाने के कारण से उसमें जितना समय ज़्यादा गया है, उसमें जो लोग इस प्रकार की आई हैं कि उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, उस बारे में हम विचार। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तकरीबन सभी भर्तियां अब लोक सेवा आयोग के हवाले कर दी गई है, और मुख्यमंत्री ने बोर्ड को पारदर्शी बनाने की बात की है। तो वहीं दूसरी तरफ UK SSS में विजिलेंस जांच के तहत 3 कर्मचारियों को सचिव ने उनके पद से हटाकर बाध्य प्रतीक्षा में कर दिया गया है। UK SSS के सचिव का कहना है कि इन कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है, ऐसे में इन लोगों को पद पर रखना सही नहीं है। हम तो काम करने ही गए थे, सरकार ने भी शायद इसीलिए भेजा भी था हमें वहाँ पे। अब आयोग रहता है या डिसॉल्व होता है ये तो सारा सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। हमने तो सारी, देखिए मैंने अभी भी आपको कहा कि हम तो जब से गए हैं चीज़ों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। हमें जो जो जिम्मेदारी सरकार द्वारा दी जाएगी हम कोशिश करेंगे पूरी ईमानदारी से उसको। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर के कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। मसूरी में पत्रकारों से बात करते हुए प्रदीप टम्टा ने कहा कि कांग्रेस भर्ती घोटाले को लेकर लगातार CBI जांच की मांग कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले की जांच तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंदूड़ी द्वारा एक कमेटी बनाकर कराई जा रही है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रदीप टम्टा ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा अधीनस्थ चयन आयोग में हुए महाभर्ती घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाने को लेकर विधानसभा की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी बेरोजगार और राजनीतिक संगठन एक स्वर में CBI जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। प्रदीप टम्टा ने आरोप लगाया है कि आयोग में लाखों रुपए लेकर पेपर बेचे गए, सरकार गोपनीयता को भी भंग करने का काम सरकार की ओर से किया गया है। तो रितु खंदूड़ी जी वाली खंडूरी कमेटी है वो असली आपराधिक जो भर्ती घोटाला से है, मुख्यमंत्री चीज़ों को उस घोटाले पर लोगों की नज़र न जाए उससे ध्यान भटकाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष पर अपना सारा भार डाले। सवाल है पूरे प्रदेश के अंदर
सारे बेरोजगार संगठन, सारे राजनीति एक स्वर से मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई की जांच हो, क्योंकि इसमें आपराधिक प्रवृत्ति शामिल है। लाखों को लेकर के पैसे लेकर पेपर बेचे गए और सरकारी गोपनीयता को भंग किया गया। बड़ा सवाल है कि इस तरह के से जो राज्य की सेवाओं में जो व्यक्ति आएगा वो राज्य के साथ आम लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेगा। सवाल है इस भर्ती घोटाले में सीबीआई की जांच करने से आप आनाकानी क्यों कर रहे हैं? आप इधर उधर की बात ना, आप तुरंत इस मामले की जांच सीबीआई को दीजिए। उत्तराखंड में भर्तियों में हो रहे भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने सोमवार को एक महारैली निकाली है। ये रैली मालवीय उद्यान से कोटद्वार नगर निगम के मुख्य मार्ग से होती हुई तहसील पहुंची। इस दौरान युवाओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद बेरोजगार युवाओं ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए सिद्ध बलि मंदिर में पूजा की। बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बॉबी पवार ने कहा कि भर्ती घोटाले में लिप्त लोगों के खिलाफ प्रदेश से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक उत्तराखंड के सभी शहरों से लेकर गांव तक आंदोलन जारी रहेगा। युवाओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। आज की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो परीक्षाएं हो रही है वो टाइम पे होनी चाहिए और किसी भी परीक्षा में धांधली नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारा साथ संदेश है हमारी सरकार को कि जिस प्रकार से आप भ्रष्टाचार पर लिपापोती करने में लगे हुए हैं, हम ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि आज प्रदेश का युवा जाग चुका है और प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में यहाँ पर हमने ये रैली शुरू कर दी है और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ वह लड़ाई है जिस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम युवाओं ने संकल्प ले लिया है। आज अगर ये कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांग को लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित करेंगे, परंतु अगर सरकार फिर भी नहीं चेती है तो सरकार को ये कड़ा संदेश है कि हम उन लोगों को भी सामने लाएंगे जिनको जिनका आप संरक्षण कर रहे हैं। उत्तराखंड में लंपी स्किन वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 8,000 से ज्यादा गायों में लंपी वायरस फैल चुका है। अधिकतर मामले हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में सामने आ रहे हैं। इसके साथ पर्वतीय जिले टिहरी में लंपी वायरस के मामले सामने आए हैं। अब तक तकरीबन 150 पशुओं की लंपी वायरस की वजह से मौत हो चुकी है और अभी भी 5,000 के करीब गायों में लंपी वायरस के लक्षण है। की तारीख में 8,350 एनिमल्स अफेक्टेड है, उसमें रिकवर हो गया है 3,200, सो लगभग 5,000 आज की तारीख में उत्तराखंड में। इसमें तीन जिले यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, हरिद्वार है, देहरादून सबसे ज़्यादा है और हमको कुछ केसेस टिहरी और पौड़ी पहाड़ी जनपद में भी मिले हैं और उधमसिंह नगर में भी कुछ केसेस। देहरादून स्थित डीएम कार्यालय में सोमवार को जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका को लगभग 60 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें कई शिकायतों का निवारण तुरंत ही कर दिया गया, जबकि भूमि से जुड़ी कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनके लिए एसडीएम को सूचित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। करीबन 60 के करीब हमारे पास आज शिकायतें आई हैं, जिनमें से कुछ तो तभी निस्तारण होने लायक थी लेकिन कुछ जैसे लैंड से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए हमने एसडीएम को बता दिया। हरिद्वार में संतों ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद सोमवार को जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस मौके पर संतों ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भारत रत्न देने की मांग की है, साथ ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखने और राष्ट्रीय शोक घोषित करने की मांग की है। आपको बता दें, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 99 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हो गए, जिसके बाद से देश भर के साथ हरिद्वार के संत समाज में शोक की लहर है। शंकराचार्य के निधन होने पर संत समाज ने इसे सनातन धर्म की बड़ी क्षति बताया है। शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का ब्रह्मलीन होने पे हरिद्वार के पूरे संत समाज ने आज शोक व्यक्त किया है। उनका जीवन देश के लिए और धर्म के लिए 99 साल से समर्पित रहा। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने मांग की, जैसे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज के नाम से होना चाहिए, ये होना भी चाहिए क्योंकि ये देवभूमि है, चारों धाम यहाँ है। और अब देखते हैं उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी देहरादून के अंतर्गत हो रहे सड़क पेचवर्क का काम पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया है। कार्य ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं ये देखने के लिए खजान दास अपने क्षेत्र में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां विधायक ने पीडब्ल्यूडी के कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद किया। धारचूला की छोटी पहाड़ी का वर्णावत की तर्ज पर ट्रीटमेंट करने के मुख्यमंत्री के फैसले का पूर्व सीएम हरीश रावत ने स्वागत किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल की जमकर तारीफ की है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली गई। पंचायत प्रतिनिधि संयुक्त मोर्चा भटवाड़ी ने बीआरओ के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने तेखला पुल पर जमा होकर तीन सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की। ऋषिकेश में एम्स पुलिस चौकी क्षेत्र के शिवाजी नगर की गली नंबर 25 में परचून की दुकान पर शराब बिक्री के खिलाफ स्थानीय लोग भड़क गए। लोगों ने दुकान पर हंगामा करते हुए दुकानदार को खूब खरी-खोटी सुनाई। टनकपुर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाली आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बिलासपुर निवासी दीपक कुमार को लूट के माल के साथ गिरफ्तार किया। वहीं इस वारदात में उसका साथ देने वाला एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा है। मसूरी में वाइनबर्ग एलन स्कूल के छात्रों ने पॉकेट मनी से एक 21 वर्षीय दिव्यांग युवक का मैकेनिकल पैर लगाकर उसे जीने की राह दी है, जिसकी पूरी मसूरी में प्रशंसा की जा रही है। आपको बता दें कि जनवरी माह में गुब्बारा बेचने वाले 21 वर्षीय अरविंद का हाइड्रोजन सिलेंडर फट जाने से दाहिना पैर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे कि उसका पैर काटना पड़ा और अरविंद विकलांग हो गया। खुदीराम बोस स्टेडियम दिनेशपुर में रुद्रा यंग क्लब के तत्वावधान में स्वर्गीय भवेश चटर्जी मेमोरियल राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे, नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।